हेलो एवरीवन। देखिए, ये लीनियर अरेंजमेंट का ये क्वेश्चन डिस्कस करना था। चलिए देखते हैं इसको। लिखा है कि अ पार्किंग लॉट कैन एकोमोडेट ओनली सिक्स कार। द सिक्स कार आर पार्क इन टू रो इन सच अ वे दैट द फ्रंट ऑफ द थ्री कार पार्क इन वन रो इज फेसिंग द अदर थ्री कार इन अदर रो। ठीक है, चलिए दो रो है टोटल, ठीक है, और तीन तीन कार हैं, सब आमने सामने हैं। ठीक है, इस तरीके से आमने सामने फेस टू फेस है। ठीक, चलिए देखिए क्या लिखा है कि ऑल्टो इज नॉट पार्क इन द बिगिनिंग ऑफ एनी रो। ठीक है, अब अगर रो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ऑल्टो इस पोजीशन पे नहीं होगा। ठीक है, स्टीम इज सेकेंड टू द राइट ऑफ आई टेन। ठीक है, आई टेन से सेकेंड नंबर पे जो है राइट साइड में स्टीम है। सपोज कीजिए कि आई टेन जो है हम यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, ये सपोज कीजिए कि ये आई टेन है, उसके बाद इसके राइट साइड में, ठीक है, दूसरे नंबर पे स्टीम होगी। ठीक है, ये हो गया। तो देखिए नेक्स्ट लिखा है कि पुंटो विच इज द नेबर ऑफ ऑल्टो इज पार्क डायगोनल अपोजिट टू आई टेन। ठीक है, अब ये बताइए कि ये आई टेन के डायगोनल में क्या होगा। ठीक है, ये वाली, अब आप ये बताइए कि आई टेन के डायगोनल अपोजिट कौन सा पोजिशन होगा। ये है, तो ये पुंटो होगा यहाँ पे। ठीक है, और ये किसका नेबर है, ये ऑल्टो का है, तो यहाँ पे ऑल्टो हो गया। ठीक है, ऑल्टो फर्स्ट पोजिशन पे है नहीं। तो लिखा है कि स्विफ्ट जो है ये ऑल्टो के सामने है, तो यहाँ पे जो है ये स्विफ्ट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो अदर कार है, ठीक है, वो हो जाएगा। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन देखिए कि इफ ऑल्टो चेंज पोजीशन विथ आई टेन। ठीक है, ऑल्टो और आई टेन जो है अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है आई टेन हो जाएगा और यहाँ पे ऑल्टो हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, एंड पुंटो चेंज पोजीशन विथ एस एक्स फोर। ठीक है, तो ये जो अदर कार है ना, यही है एस एक्स फोर। ठीक है, अब पुंटो पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पुंटो चला जाएगा, यहाँ पे ये चेंज हो गया। ठीक है, अब देखिए, एंड स्विफ्ट shift one position to the right to accommodate beetle, then the car park adjacent to beetle is or। ठीक है, देखिए swift जो है, ठीक है, एक position ये right side में जा रहे हैं क्योंकि एक नई कार आ रही है। ठीक है, अब आप ये बताइए कि swift है यहाँ पे, अब अगर ये right side जा रहे हैं तो swift यहाँ पे हो जाएगी, और आप जानते हैं कि केवल maximum six car हो सकते हैं। ठीक है, एक row में तीन हो सकते हैं, तो steam बाहर हो जाएगी, ये जो गाड़ी है ये बाहर हो जाएगी, और ऑल्टो यहाँ पे है, स्विफ्ट यहाँ पे है, और यहाँ पे वो जो है बिटल आ जा रहा है। ठीक है, चलिए टोटल छह हो गई, ये बाहर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, देन द कार पार्क एडजेसेंट टू बिटल आर। ठीक है, बिटल के आसपास कौन है, तो कौन है, ये ऑल्टो है और ये स्विफ्ट है। ये तो ओरिजिनल पोजिशन था, ठीक है, जब ये क्वेश्चन में चेंज हुआ है तो हमने ऊपर लिखा है चेंज वाला पोजिशन। ठीक है, तो आंसर क्या है, ऑल्टो और स्विफ्ट। ठीक है, डी सही आंसर है। ठीक है, ये जो है, ये जो रेड कलर से लिखा है ये केस वाला था, उसके बाद से जो चेंजेस हुए हैं उसको यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि इन द ओरिजिनल पार्किंग स्कीम फोर न्यू कार एंटर्ड इन द पार्किंग। ठीक है, अब चार नए कार आ रहे हैं। ठीक है, सच दैट वैगनर आर इज सेकेंड टू द राइट ऑफ आई टेन। ठीक है, काम करते हैं, ये जो पुराना वाला पोजिशन था इसको पहले बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आई टेन था, यहाँ पे क्या था, स्विफ्ट था, यहाँ पे स्टीम, ठीक है, यहाँ पे पुंटो, यहाँ पे ऑल्टो, ठीक, और यहाँ पे अदर में एस एक्स फोर आ जाएगा। ठीक है, अब जो चेंजेज हो रहे हैं इसको बनाते हैं। इन्होंने लिखा है कि वैगनर आर इज सेकेंड टू द राइट ऑफ आई टेन। ठीक है, अब ये बताइए आई टेन है, ठीक है, अब इसके सेकेंड नंबर पे ये जो स्टीम है इसकी जगह कौन आ रहा है, वैगनर आ रहा है। ठीक है, तो ये वैगनार हो गया सेकेंड पोजीशन पे। ठीक है, आई टेन के, चलिए ऑफ आई टेन, एंड जेन इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ, ठीक है, एक्स एक्स फोर। ठीक है, अब ये देखिए, ये आमने सामने है ना, ठीक है, तो ये वाला राइट होगा, और इनके लिए इधर से अगर देखा जाए तो ये वाली पोजीशन जो है, इधर अगर ये जाएंगे तो ये लेफ्ट पोजीशन होगा। ठीक है, अभी कहा जा रहा है कि जेन इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स एक्स फोर। ठीक है, इसका लेफ्ट जो है सेकंड नंबर पे कौन सी पोजीशन होगी, ये पुंटो वाली पोजीशन होगी, यहाँ पे जेन कार आ रही है। ठीक है,
अब देखिए क्या लिखा हुआ है, ये किस ब्रांड की गाड़ी है, जेएजी स्पार्क सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वेगनार आर। ठीक है, अब आप ये बताइए, ये इधर से जाएंगे तो ये लेफ्ट पोजीशन होगी, सेकेंड नंबर का पोजीशन ये है, तो यहाँ पे ये जेज आ गया। ठीक है, टू द सेकेंड, ठीक है, एंड बीट इज पार्क टू द राइट ऑफ अल्टो। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे अल्टो है, अब इसके राइट में क्या है, बीट है। ठीक है, और बीट इज पार्क टू द राइट ऑफ अल्टो। ठीक है, अब स्विफ्ट जो है अपनी पोजीशन पे है। ठीक है, अब ये बन चुका, ये ओरिजिनल पोजीशन था, और जैसे जैसे इन्होंने कहा है वैसे वैसे हमने इसको चेंज कर दिया। ठीक है, अब देखिए कहा जा रहा है कि देन द कार दैट मूव आउट आर। ठीक है, तो बहुत सारी गाड़ियां जो है बाहर हो गई हैं। ठीक है, ये देखिए SX4 बाहर हो गई है। ठीक है, स्टीम जो है ये बाहर हो गई, i10 बाहर हो गई। ठीक है, तो देखिए कौन कौन बाहर हो गया। ठीक है, तो देखिए स्टीम और स्विफ्ट, तो स्विफ्ट तो है तो ये गलत हो जाएगा, स्टीम बाहर हुई है लेकिन स्विफ्ट नहीं हुआ। ठीक है, पुंटो और ऑल्टो ये तो दोनों है, i10 बाहर हुआ है लेकिन ऑल्टो है, पुंटो और XX4। ठीक है, ये देखिए ये दोनों बाहर हो गए, पुंटो और XX4 ये दोनों बाहर हुए हैं। ठीक है, तो ये डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, और भी बाहर हुए हैं लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो जो है उसी को टिक करते हैं। सिंपल था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ SX4 एंड स्टीम एक्सचेंज देयर पोजीशन म्यूचुअली देन द कार एडजेसेंट टू स्टीम आर। ठीक है, SX4 और स्टीम जो है ये अपने पोजीशन चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसी में चेंज कर लेते हैं, ये अपने पोजीशन चेंज कर रहे हैं ना, तो ये स्टीम हो जाएगा। ठीक है, और ये XX4 हो जाएगा। अब क्या पूछा गया है आपसे कि स्टीम के बगल में कौन है। ठीक है, तो अब स्टीम पे ये कॉर्नर साइड में है, तो इनके बगल में सिर्फ कौन है, ऑल्टो है। ठीक है, तो ओनली ऑल्टो सी इज द राइट आंसर। सिंपल था ये।